हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी छात्रों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में देरी क्यों हो रही है, ये रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर बता दिया है कि परीक्षा में देरी क्यों चल रही है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर ही नहीं हुई है तो एडमिट कार्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अभी एडमिट कार्ड जारी हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने बताया है यहाँ पर कि जो आपकी परीक्षा है आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी की, वो परीक्षा में देरी क्यों चल रही है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लें, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही फ्रेंड्स एक बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ज़्यादातर लाइक किया करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनडीटीवी इंडिया की ये अपडेट आई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में क्यों देरी हो रही, अधिकारी ने एनडीटीवी को बताई वजह। आरआरबी एनटीपीसी 2019 आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, एनटीपीसी परीक्षा आयोजित होने में अभी समय है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 25 सितंबर की अपडेट है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आज ही की अपडेट है और दिया है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, उम्मीदवार एनटीपीसी एडमिट कार्ड आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड सर्च कर रहे हैं, हालांकि अभी तक परीक्षा की तारीख नहीं आई है, ऐसे में एडमिट कार्ड का आने का सवाल ही नहीं उठता है। रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जून से सितंबर के बीच आयोजित होनी थी। तो देख सकते हैं बड़ी खबर छात्रों के लिए, जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है वो जून से सितंबर के बीच में परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन यहाँ पर डिले होते 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 यहाँ पर जो है आपका सितंबर भी बीत चुका है, इसमें अभी थोड़े दिन बचे हुए हैं। तो आगे बताया गया है कि परीक्षा में देरी को लेकर हमने रेलवे भर्ती बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की। आरआरबी अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि रेलवे भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जल्द ही एक एजेंसी नियुक्त करने वाला है, इसके लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों की बैठक के बाद एक ओपन टेंडर निकाला जाएगा। परीक्षा कराने के लिए एजेंसी मिलने के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अधिकारी ने एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लगने के सवाल की हामी भरी, ऐसे में एनटीपीसी परीक्षा आयोजित होने में अभी समय है। तो देख सकते हैं अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि जो एजेंसी नियुक्त होने की प्रक्रिया है वो करीबन 1 से 2 महीने के बीच इसमें समय लग सकता है। आगे फ्रेंड्स बता दें कि ओपन टेंडर निकालने से पहले रेलवे बोर्ड ने इच्छुक कंपनियों को 25 सितंबर को बुलाया, हर कंपनी को प्रेजेंटेशन देने के लिए 10 मिनट का समय दिया है। एजेंसी की नियुक्ति करने का उद्देश्य पूरी पारदर्शिता व बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कराना है। हाल ही में जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक होने के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया कि आरआरबी के अनुसार एजेंसी ईसीए पूरे भारत में 15 भाषाओं में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित करवाएगा। परीक्षा के यहाँ पर दे रखी है जो लैंग्वेज है, आपको बता दें कि पिछले 2 साल में निकले 283,331 पदों को भर्ती के लिए 5,09,82,157 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि द्वारा जारी किए गए नोटिस मिले हैं, पिछले साल दो निकाली गई जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें 72,907 भर्ती थी, जिसमें 1,89,82,719 छात्रों ने आवेदन किया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी खबर छात्रों के लिए, जो परीक्षा आपकी है उसमें बताया जा रहा है कि अभी से 1 से 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि ये साफ सी बात है जब कोई नया टेंडर लेता है, जब नई कोई टेंडर लेने के लिए जो है वहाँ पर आता है तो वो पहले अपना ब्राउज़र पूरा बनाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, उसके बाद वहाँ पर उसका सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए होता है, एडमिट कार्ड जारी करता है, तो ऐसे में बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो नहीं हो पाती हैं। तो फिलहाल ये था अपडेट, और आगे का जैसे कोई अपडेट मिलता है मैं वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा दूँगा।